जब भी कोई लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराता है चाहे वो पर्सनल कराए चाहे वो ऑफिस से रूटीन चेकअप जो होता है और जब उसका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा होता है यानी कि कोलेस्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ होता है तो डॉक्टर के पास जाता है डॉक्टर एकदम से उसे मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है जो कि स्टेटिन होती है कि आप इसे खाइए आपका कोलेस्ट्रोल बहुत बढ़ा हुआ है और आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है आपका हार्ट ये हो सकता है आपको हार्ट अटैक हो सकता है और वो बेचारा इतना डर जाता है कि वो सालों से कोलेस्ट्रोल की दवाई खाता रहता है और उसको ये भी नहीं पता होता है कि इसके नुकसान क्या है तो आज हम जाने के कोलेस्ट्रॉल के बारे में और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जाता है इसके नाम पर किस तरह से आपको डराया जाता है जबकि ये कितनी जरूरी और कितनी सही चीज है और आज मैं आपको बताऊंगा आयुर्वेद का कैसा करिश्मा कि जैसे ही आप इस पाउडर को इस स्टूडेंट को लेना शुरू करते हैं और जैसे ही आप शुरू करते हैं कुछ ही घंटों में आपका कोलेस्ट्रॉल डाउन होना शुरू हो जाता है बिना किसी दवाई के जी हाँ बिना किसी दवाई के तो इस वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है क्या और ये काम क्या करता है इसका काम क्या है और ये कितना इसका लेवल होना चाहिए ये ज्यादा बनता कैसे है अगर बॉडी में ज्यादा बन जाए तो बनता कैसे है और ये दवाई जो देते हैं वो खतरनाक क्यों है और कुछ ही घंटों में ठीक होना शुरू पर कैसे क्या तरीका है कि कुछ ही घंटों में बिना दवाई के ठीक होना शुरू हो जाएगा ये सब जानकारी मैं आपको देता हूँ इस वीडियो में तो आज हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की कोलेस्ट्रॉल क्या है देखिए कोलेस्ट्रॉल एक फैट है एक वसा है और जो हमारे ब्लड में पाई जाती है कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है इसका पहला काम है सेल के लिए मैमरन बनाना यानी कि जो हमारा सेल होता है जिसकी वजह से हम लोग जिंदा है हमारी बॉडी में अरबों खरबों सेल्स होते हैं सेल्स की जो आउटर लेयर होती है जो कि मेम्ब्रेन होती है वो कोलेस्ट्रोल से ही बनती है तो ये बहुत ही जरूरी है अगर ये कोलेस्ट्रोल नहीं होगा तो हमारा सेल नहीं बनेगा हमारा सेल नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं होंगे कैंसर क्या है सेल का ही रूप है कि सेल जब खराब होने लगता है कैंसर होता है और काफी सारी बीमारियां ये सब सेल से कनेक्टेड है तो सेल अगर सही रहेगा तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं तभी हम जिंदा रह सकते हैं तो इतनी जरूरी चीज है कोलेस्ट्रॉल जिसकी वजह से ये सेल बनता है दूसरा जरूरी चीज है कि हमारी बॉडी में कई तरह के हार्मोन्स बनते हैं उस हार्मोन्स में कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल है अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो वो हार्मोन नहीं बनेंगे इसके अलावा जब सूरज की किरणें हमारी बॉडी पर पड़ती हैं तो कोलेस्ट्रोल से मिलकर ही हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बड़ा जरूरी होता है कि अगर धूप पड़े और कोलेस्ट्रोल नहीं है तो विटामिन डी नहीं बनेगा तो ये दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि कोलेस्ट्रॉल कितना जरूरी है हमारे लिए तीसरा मेल में जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं जैसे मेल के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर होता है एस्ट्रोजिन एंड प्रोजेस्टेरोन ये जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं मेल और फीमेल में इसमें कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल होता है और इसीलिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ही जरूरी है तो अब हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होना कितना चाहिए इसका लेवल कितना है अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो ये डेढ़ से दो के बीच में होना चाहिए डेढ़ सौ से दो सौ के बीच में कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए दो सौ तक भी कोलेस्ट्रॉल ठीक है लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा भी है लेकिन आपका एच डी एल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है अगर आपका ये फोर्टी और सिक्सटी के बीच में है तो समझिए फिर आपको इसके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्लड से वो कोलेस्ट्रॉल खुद ही निकालता रहता है यही एस डी एल का काम है तो इसलिए अगर आप एस डी एल बढ़ा है तो फिर आप इससे मत घबराइए कोलेस्ट्रॉल से अब बात करते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है सबसे जरूरी चीज यही जानने की है कि कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है और यहीं पर वो सारा राज छुपा हुआ है देखिए कोलेस्ट्रॉल दो तरह से बनता है पहला ये हमारे लीवर में बनता है हमारा लीवर जो है खुद लीवर के अंदर एक मशीन लगी हुई है वो मशीन सत्तर से अस्सी परसेंट हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रोल वही बनाती है जी हाँ लीवर बनाती है क्योंकि भगवान को ये पता था कि कोलेस्ट्रोल बहुत काम की चीज है और इतनी काम की चीज को वो हम पर भरोसा करके नहीं छोड़ सकते थे तो उन्होंने लीवर में खुद ही एक मशीन लगवा दी भगवान ने कि वो खुद ही अपनी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है तो उसका सत्तर से अस्सी परसेंट जो कोलेस्ट्रॉल हुआ है खुद ही बनाएगा दूसरा तरीका है केवल बीस से तीस परसेंट कोलेस्ट्रोल हम बाहर से ले सकते हैं फूड से ले सकते हैं और वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोटीन में यानी कि जानवर और जानवर से निकली हुई चीजों में ही केवल कोलेस्ट्रोल होता है और किसी भी चीज में कोलेस्ट्रोल नहीं होता अब ये एनिमल प्रोटीन क्या होता है एनिमल प्रोटीन होता है जानवर से निकली हुई हर चीज जो भी चीज जानवर से निकलती है जैसे नॉनवेज अंडा ये जानवर से कनेक्टेड है जानवर से निकली हुई चीजें दूध या दूध से बनी हुई चीजें इनमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है इसके अलावा दुनिया में किसी भी चीज में कोलेस्ट्रोल नहीं होता कई बार आप देखेंगे जो तेल होता है तेल की बोतल पे उसके पैकेट पे लिखा होता है कोलेस्ट्रॉल फ्री बेवकूफ बनाया जाता है तेल में कोलेस्ट्रोल नहीं होता तेल में ट्राइग्लिसराइड होता है तो इसलिए इस तरह से बेवकूफ बनाने की बहुत बहुत चीजें हैं पैसे वाले बहुत अच्छी तरह से हम लोग बेवकूफ बनाते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि दो तरह से कोलेस्ट्रोल बढ़ता है तो लीवर खुद बनाता है दूसरा हम बाहर से लेते हैं बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं वो मुझसे कहते हैं कि उनका कोलेट्रोल बहुत बड़ा हुआ है वो कहते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाते हम एनिमल प्रोटीन नहीं लेते हम दूध या दूध से बनी हुई चीज नहीं लेते फिर भी हमारा कोलेस्ट्रोल इतना बढ़ता क्यों है या बढ़ा हुआ कौन है तो अब हम बात करते हैं कि लीवर जो है ज्यादा कोलेस्ट्रोल बनाता है ये इसका रीजन है जब आप एनिमल प्रोटीन नहीं लेते फिर भी आपका कोलेस्ट्रॉल बन रहा है तो समझिए लीवर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बना रहा है और लीवर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल क्यों बना रहा है इसके दो कारण है पहला कारण है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेसिटेंस है हमारी बॉडी में इतना ज्यादा इंसुलिन बन चुका है कि हमारी बॉडी इंसुलिन रेसेंस हो गई है और जब डायबिटीज की दवाई किसी को डायबिटीज है जो दवाई खाता है तो दवाई की वजह से और ज्यादा इंसुलिन निकलता है और उस वजह से और ज्यादा हमारी बॉडी में इंसुलिन रेसिसेंस होता है और जब ये इंसुलिन रेसेंस होता है तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रोल ज्यादा बनने लग जाता है दूसरा कारण है कि जब हमारा लीवर डैमेज होता है या हमारा लीवर सही से फंक्शन नहीं करता उसकी पुअर फंक्शनिंग होता है तो भी ये कोलेस्ट्रोल ज्यादा बनाता है क्योंकि वहां पर बाइल जो है वो रिड्यूस होने लगता है बाइल कम निकलता है और जब लीवर से बाइल कम निकलता है तो वो कोलेस्ट्रोल के लेवल को बढ़ाने लगता है तो इस वजह से भी कोलेस्ट्रोल बढ़ता है किस वजह से जब हमारा लीवर ठीक से काम नहीं करता या लीवर हमारा डैमेज होने लगता है तो ये दूसरा कारण है अब जब भी किसी को कोलेस्ट्रोल बढ़ता है तो डॉक्टर उसे ये दवाई प्रेस्क्राइब करता है जो स्टेटिन होती है कोलेस्ट्रोल कम करने की अब हम जानते हैं कि खतरनाक क्यों है और ये दवा काम क्या करती है आपको कुछ नहीं करना आप गूगल पर जाइए और वहां पर जाके आप ये टाइप कीजिए साइड इफेक्ट ऑफ स्टेटिन मेडिसिन जैसे ही आप डालेंगे तो लिस्ट आपको आएगी कि इससे आपको हेडेक होता है इससे आपको डिजीनेस होती है फीलिंग सिक और फीलिंग अनयूजअल टायर्ड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी प्रॉब्लम होने लगती है कॉन्स्टिपेशन होने लगता है डायरिया होने लगता है इंडाइजेशन ये सब होता है, muscles pain ये सब होता है मसल्स पेन ये सबसे ज्यादा होता है मसल पेन स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है और लो ब्लड प्लेटलेट्स जो है काउंट ये होने लगता है आपकी बॉडी में जो प्लेटलेट्स काउंट है वो कम होने लगता है तो ये इतने सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं जिस दवाई को आप बहुत आसानी से खाने लगते हो इसके अलावा ये जो दवा है ये लीवर में जाके मेटाबोलाइज होती है तो ये लीवर डैमेज होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है इसके अलावा जो हमारे सेल का जो कोलेस्ट्रोल का प्रोसेस है वो ठीक से चलता नहीं है जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी वजह से हमारे सेल बनते हैं तो जब वो कोलेस्ट्रॉल बनना कम हो जाता है इन सब दवाओं की वजह से तो वो सेल पे भी इफेक्ट पड़ता है ये भी एक खतरा है और जब ये दवाई हम लेते हैं तो इससे मेमोरी लॉस होता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो सेक्सुअल प्रॉब्लम लोगों में आती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की मेल में आती है वो इस वजह से आती है ये दवाई भी इसका एक कारण है अब ये दवा काम कैसे करती है देखिए हमारी बॉडी के अंदर एक कोलेस्ट्रॉल की मशीन लगी होती है जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान ने एक मशीन लगाई है जो कोलेस्ट्रॉल बनाती है हमारी बॉडी का सत्तर से अस्सी परसेंट कोलेस्ट्रोल मशीन बनाती है ये दवा क्या करती है उस मशीन को ऑफ कर देती है तो जब वो उसे ऑफ कर देती है तो वो कोलेस्ट्रॉल बनाना बंद कर देता है और ये इस दवाई का काम है और धीरे धीरे हमारे अंदर वो कोलेस्ट्रॉल बनना जो है कम होने लगता है तो ये इस दवाई का काम है अब हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कुछ ही घंटों में कैसे ठीक करें कैसे कंट्रोल करें ठीक है सुनने में बड़ा असंभव सा लगता है यू सा लगता है कुछ ही घंटों में सालों से लोग दवाइयां खा रहे हैं जो मेरे पास पेशेंट आते हैं दो दो साल से दवाइयां खा रहे हैं तीन तीन साल से दवाइयां खा रहे हैं खाए चले जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे हैं तो इसको ठीक करने के दो तरीके हैं पहला तरीका आप दवाई खाइए स्टेटिन ये आपका पहला तरीका साइड इफेक्ट मैंने आपको बताया दिए कैसे काम करता है ये भी मैंने आपको बता दिया दूसरा तरीका है डाइट से ठीक करके डाइट को ठीक करें यानी कि डीआईपी डाइट डॉक्टर बी आर की डीआईपी डाइट

पाउडर है इस पाउडर को आपको लेना है अब ये पाउडर है क्या ये पाउडर है अर्जुन की छाल जी हाँ ये अर्जुन की छाल है तो ये अर्जुन की छाल का पाउडर है इसका काढ़ा आपको लेना है ये क्या करता है ये आपके कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करेगा ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा ये आपके खून को पतला करेगा ये आपके हड्डियों को मजबूत करेगा और ये आपके हार्ट को मजबूत करेगा इसके अलावा बहुत सारे काम ये अर्जुन की छाल का काढ़ा करेगा लेकिन ये मेन काम है जो ये आपके करेगा अब ये बाजार में पंसारी से मिल जाएगा आपको ऑनलाइन भी आपको मिलता है या आप ऑनलाइन भी जाके अर्जुन की छाल पाउडर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा ये दरदरा हो तो अच्छा है बिल्कुल पतला ना हो बा, मतलब बारीक पाउडर ना हो ये थोड़ा सा दरदरा मोटा हो तो अच्छा है वो और छह महीने पुराना ना हो ये ध्यान रखिए किसी भी अच्छी कंपनी का हो आप ले सकते हैं मैं रिकमेंड नहीं कर रहा आप कोई भी अच्छी कंपनी आपको लगती है उसका आप ये ले सकते हैं अर्जुन की छाल अब काढ़ा बनाने का तरीका क्या है बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे तरीके बताएंगे मिलेंगे तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कोई क्या कह, कहेगा कि रात को भिगो लीजिए सुबह पी लीजिए कोई कहेगा इतना चम्मच लीजिए कोई तो उतना चम्मच लीजिए आपको बिल्कुल कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह से लो आपको फायदा करेगा ये सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ इस तरह से आप लेना शुरू करो एक गिलास आप पानी लीजिए ताजा पानी लें एक गिलास दो सौ एम एल ढाई सौ एम एल जो भी है आप लें उसके अंदर दो ग्राम तीन ग्राम या पांच ग्राम अर्जुन की छाल पाउडर डालें शुरू करें दो ग्राम से बहुत कड़वा होता है ध्यान रखे तो शुरू से शुरू करें दो ग्राम से ये जो है चाय जो है चाय का चम्मच जो है पांच ग्राम का होता है उस हिसाब से आप दो ग्राम के करीब ले लें दो ग्राम तीन ग्राम जो भी लेना चाहे ये ले लें इसके अंदर डालें हल्की आंच यानी कि मीडियम फ्लेम पर आपको ढककर उबालें बर्तन को ढक दें और इसको उबालना शुरू करें जब ये उबल कर आधा रह जाए यानी कि आधा गिलास रह जाए तब आप इसको छान कर ये बहुत कड़वा होता है तो इसमें चाहे तो थोड़ा सा गुड़ या शक्कर या शहद आप जो भी चाहें आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ा गर्म करके सिप सिप भी इसको पियेंगे ठीक है इसको पियेंगे तो ये आप इस तरह से इस काढ़े को यूज करेंगे अब बात करते हैं कब और कितनी बार पीना है इसको आप दो टाइम ले सकते हैं सुबह और शाम खाली पेट सुबह आपको खाली पेट लेना है शाम को भी आपको रात के भोजन से पहले लेना है रात को खाने से एक या दो घंटे पहले आप इसको ले सकते हैं अगर आप कोई दो बार ना ले तो आप एक बार लेना चाहते तो केवल सुबह एक बार भी आप ले सकते हैं वो काफी फायदेमंद है ध्यान रखेगा बहुत ही अजीब सा लगता है कड़वा सा है इसलिए थोड़ा सा लेके शुरू करें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं अब हम बात करते हैं कि कब तक हम इसको ले सकते हैं इसको लगातार आप तीन महीने तक ले सकते हैं हमारा जो ब्लड है वो तीन, हर तीन महीने में चेंज होता है तो तीन महीने तक लीजिए तीन महीने बाद जब आप अपनी लिपिड प्रोफाइल कराएंगे आपके जबरदस्त रिजल्ट आएंगे आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल डाउन मिलेगा क्योंकि वो कुछ ही घंटों में डाउन करना वो शुरू कर देता है क्योंकि बनना तो उसने बंद कर दिया और जो ज्यादा बना हुआ उसको भी डाउन करना उसने शुरू कर दिया तो इस तरह से आप इसको तीन महीने में आप तीन महीने बाद टेस्ट कराइए आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हमेशा हर तीन महीने पे कराना चाहिए बहुत से लोग दस दिन में पंद्रह दिन में कराने लगते हैं उससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ब्लड जो चेंज होता है वो तीन महीने में ही चेंज होता है इसकी तासीर ठंडी होती है इसलिए इसको घबराने की जरूरत नहीं कि अगर गर्मी है तो हम इसको नापिए ये चूरण और रसायन चूर्ण ये दो चीज़ होती है ये मैं आपको समझा दूं पिछली मैंने जो वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको त्रिफला के बारे में बताया था बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि वो बताते हैं कि तीन महीने से ज्यादा नहीं लेना चाहिए वो कहते हैं एक महीने से ज्यादा नहीं लेना चाहिए तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि चूरण और रसायन चूर्ण इन दोनों में एक फर्क होता है चूर्ण जो है वो कुछ दिनों के लिए कुछ महीनों के लिए लिया जाता है जबकि रसायन चूर्ण आप लगातार सालों तक ले सकते हैं त्रिफला एक रसायन चूर्ण है त्रिफला एक चूर्ण नहीं है तो त्रिफला को आप सालों साल आप लगातार ले सकते हैं उससे कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन चून हमेशा एक महीने दो महीने या मैक्सिमम तीन महीने लेना चाहिए इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया कि इसको आप लगातार तीन महीने लें तीन महीने लेने के बाद आप चाहे और लेना चाहें तो तीन महीने बाद एक महीने का गैप दें और फिर उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं इस तरह से आप इसको ले सकते हैं और जैसे ही आप ये लेना शुरू करेंगे जैसे ही आप ये करना शुरू होंगे आपको कुछ ही घंटों में इसका असर आ रहे आपके बॉडी में शुरू हो जाएगा जिस चीज को आप दवाइयों से सालों साल करते हैं इतनी खतरनाक स्टेटिन खाते हैं वो कितनी आसानी से घंटों में ठीक होना शुरू हो जाती है और तीन महीने बाद आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए जबरदस्त रिजल्ट आप खुद ही देख के चौक जाएंगे कितनी आसानी से फ्री में घर बैठे ये सब काम होता है जी हाँ आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा आयुर्वेद के और इसी तरह के चमत्कार कितनी आसानी से हम चीजों को ठीक कर सकते हैं जिसके लिए हम इतनी दवाइयां खाते हैं अपने पैसे को बर्बाद करते हैं अपने परिवार को परेशान करते हैं और अपनी बॉडी को मौत की तरफ धकेलने लगते हैं मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में लिखें और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मेरी टीम ट्राई करेगी मैं ट्राई करूंगा कि शुरू के दो घंटे की जो क्वेरीज हैं वो आपको हम रिप्लाई कर सकें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबाकर ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके जल्दी मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए और ये ध्यान रखिए भारत पैथी इज द बेस्ट पैथी थैंक यू सो मच नमस्कार